हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में 23 से 25 मई यानी 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी के साथ साथ बिजली गिरने तक की आशंका व्यक्त की गई है। बादलों के बरसने से मैदानी इलाकों में लोगों को चुभती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 23 मई से पश्चिमी विक्षोभ राज्य में सक्रिय हो जाएगा। इसके असर से 25 मई तक राज्य में आंधी बारिश का जोर रहने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़े हैं, लेकिन इनमें कल से तब्दीली होने वाला है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो कि काफ़ी एक्टिव है वो असर करने लगेगा। और 23, 24 और 25 में हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, और इस पल में ये भी संभावना है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं और बिजली भी गरज सकती है, और इससे जो है तापमान में कमी आएगी। जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर 41.8 ऊना में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से ऊना के आसपास के जो लो हिल्स के जिले हैं वहाँ पर भी तापमान 37 to 38 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं। इनमें फिलहाल अगले 3 दिनों में कमी आएगी, प्रदेश में मौसम सुहावना होगा ये जरूर है, क्योंकि इस स्पेल में हिल स्टॉर्म और जैसे मैंने ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तो इससे फसलों के ऊपर, जो खासकर क्योंकि अभी फसलें कटाई पे हार्वेस्टिंग पे है, तो फसलों के ऊपर जरूर उसका नुकसान होगा, लेकिन जो है बाकी जो बारिश है उससे कुछ जो है फायदे जरूर मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी राहत मिलेगी, और ये जो लू वाला जो पूरा माहौल बन रखा है प्लेन्स में भी, क्योंकि ये जो स्पेल है काफ़ी वाइड स्प्रेड है और कई स्टेट्स में, कई प्रदेशों में इसका असर आएगा, तो ज़रूर जो है अगले 3 से 4 दिनों में न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे भी निजात मिलेगी, और जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे राहत मिलेगी।